शिजान और तुनिशा का सेट पर कैसा एक दूसरे के साथ रिश्ता था? क्या ये दोनों बहुत कॉर्डियल थे, प्रोफेशनल थे, या वाकई में इन दोनों को देखकर लगता था कि एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? तुनिशा और शिजान मामले में लगातार पुलिस भी कई कड़ियां खोजने में और जोड़ने में लगी हुई है। कभी खबर आती है कि शिजान और तुनिशा का ब्रेकअप इनिशियली 3 महीने में ही हो गया था, और दावा तो ये भी किया गया है शिजान के वकील की ओर से कि दोनों ही मूव ऑन हो चुके थे, और इस बात के पुख्ता सबूत भी हैं। लेकिन अब शो की असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुकी कोमल सोनी ने बताया है कि दोनों का रिलेशन जो है सेट पर कैसा था। जाहिर सी बात है कि अगर आप एक दूसरे को डेट करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो ये चीज किसी से आप छिपा नहीं सकते, वो भी तब जब आप 24 घंटे सेट पर एक साथ मौजूद हैं। तो कोमल सोनी ने TV9 से बातचीत के दौरान कहा कि तुनिशा और शिजान के काफी गहरे रिश्ते थे, वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। अक्सर तुनिशा और शिजान एक ही कमरे में रहते थे, और अगर जब कोई जाकर दरवाजा खटखटाता था तो शिजान कई बार गुस्सा भी करता था। शिजान में एटीट्यूड प्रॉब्लम थी, वो थोड़ा गुस्से वाला था, जबकि तुनिशा हर वक्त मुस्कुराती रहती थी, वो बहुत ही अच्छे व्यवहार वाली लड़की थी। कोमल आगे बताती हैं, सीरियल शुरू होने के बाद दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ी, दोनों अक्सर जो है एक साथ रहते थे। ऐसा नहीं लगता था कि शिजान सेट पर किसी से फ्लर्ट करता हो। शिजान तुनिशा के लिए अक्सर गाना भी गाता था, गिटार बजाता था। दोनों के बीच में कभी झगड़ा नहीं देखा गया। तो कोमल ने ये भी बताया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने जो शो है अलीबाबा वो छोड़ दिया था। तो 24 दिसंबर को तुनिशा का जो है शव मिला सेट पर ही, और शिजान के मेकअप रूम में ही उन्होंने अपनी जान ले ली। तो अब जो सेट पर असिस्टेंट डायरेक्टर थी कोमल, उन्होंने ये साफ बताया कि दोनों के बीच में झगड़ा कभी नहीं देखा गया। वो दोनों अक्सर एक साथ ही रहते थे, हमेशा एक ही रूम में रहते थे और साथ में ही टाइम स्पेंड करते थे। वो एक दूजे के बिना रह भी नहीं पाते थे, और शिजान जो है अक्सर गाने गाया करता था तुनिशा के लिए। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक अच्छा, अगर मैं कहूँ तो दोस्ती थी, प्यार था। हालांकि खुद शिजान ने इस बात को कबूला है कि दोनों रिलेशन में थे, लेकिन वहीं ये भी दावे किए गए कि 3 महीने के अंदर ही इन दोनों ने ब्रेकअप भी कर लिया था और दोनों मूव ऑन हो गए थे। लेकिन जो तुनिशा है, उनकी फैमिली के दावे ये कहते हैं कि शिजान ने जो है आत्महत्या के लिए तुनिशा को उकसाया था।